रेवाड़ी के बावल में अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 485वीं जयंती मनाई गई, जिसमें युवाओं द्वारा बावल में बाइक रैली निकालते हुए जयंती समारोह स्थल पर पहुंचे। पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह में रादौर के विधायक श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि के तौर पर और जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जयंती समारोह में पहुंचकर अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर श्याम सिंह राणा ने कहा कि हमें महापुरुषों के कदमों पर चलना होगा, तभी असली राष्ट्र का निर्माण होगा। युवाओं को संबोधित करते हुए राणा ने कहा कि आज लड़ाई तलवार की रही, कलम और शारीरिक तौर की है। हम युवाओं को अपने रोजगार और राष्ट्र के निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा के साथ साथ शारीरिक रूप से भी सुदृढ़ होना होगा, ताकि समाज मजबूत बने, और समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र अपने आप मजबूत बनेगा। बड़े योद्धा थे और किसी कारणवश उन्होंने अपने शासनकाल में मोहम्मद गौरी से 17 बार उन्होंने उसको जीता और एक बार उससे हार हुई, जिसका आज देश को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये जो गलतियां रही इतिहास की, ये बार बार नहीं होनी चाहिए। हम पूर्व काल से भी देखते आए हैं, बार बार वही गलती करते हैं जो हमेशा देश के लिए हानिकारक हुई। इसलिए आज युवाओं को प्रेरणा इस बात की मिली, समाज इकट्ठा रहे, कोई ऐसी गलतियां ना करें जिससे हमारे राष्ट्र को नुकसान हो। आज काफ़ी लोग इकट्ठे हुए और पृथ्वीराज चौहान जी की आज ये पुण्यतिथि थी, उनका सूरवीर का इतिहास जो रहा उससे हमें प्रेरणा। रेवाड़ी से दिनेश चौहान की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।